Hello and good morning, girls, and a very warm welcome again. In our previous video, we have seen about the operations on whole numbers. The operation whole numbers के बारे में हमने देखा था कि कितने कितने उनके laws हैं, commutative law, additive law, और ये सारी चीज़ों के बारे में हमने देखा था. Commutative law, multiplication, addition, एडिटिव आइडेंटिटी, और भी ऐसे मल्टीप्लीकेशन विद जीरो, डिविजन विद जीरो, ऑल दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी रेड. सो एंड द एक्सरसाइज ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू एंड आई हैव गिवन द सम पीडीएफ ऑल्सो. आई होप यू माइट हैव कंप्लीटेड. एंड टुडेज वीडियो इज ऑल्सो मीन सिंगल वीडियो विद ऑल विद ऑफ बोथ द मीडियम्स, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, दोनों के लिए आज एक वीडियो बनाए. ऑन द नेक्स्ट टर्म व्हेन आई विल बी स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर, सो द इंट्रोडक्शन पार्ट विल बी द सेम. ठीक है, दोनों मीडियम्स के जो चैप्टर्स हैं वो कुछ कुछ सेम है. सो जो इंट्रोडक्शन पार्ट होगा दैट विल बी सेम. ठीक है, ओनली द एक्सरसाइज पार्ट व्हेन इट विल बी डन दैट विल बी सेंड टू यू इन डिफरेंट मीन्स डिफरेंट डिफरेंट जो एक्सरसाइज होगी आपकी, तो उसके बेसिस पे या तो आपको पीडीएफ भेजा जाएगा या तो आपको सेपरेट वीडियोस भेजे जाएंगे. ठीक है, बट द इंट्रोडक्शन पार्ट मीन्स जब हम चैप्टर को समझाएंगे वो पार्ट आपका सेम होगा. ठीक है, क्योंकि दोनों मीडियम्स के चैप्टर सेम है तो इंट्रोडक्शन पार्ट दोनों का सेम रहेगा. ठीक है, इसलिए हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम के बच्चे कन्फ्यूज मत होइएगा मिस मेरा वीडियो कौन सा है. सो बोथ द मीडियम्स विल हैव ओनली अ सिंगल वीडियो ऑल मीन्स कंप्राइजिंग बोथ द मीडियम्स. ठीक है, और आज का वीडियो भी कुछ ऐसा ही है आपका. सो टुडे वी विल बी रीडिंग अबाउट द पैटर्न्स इन होल नंबर्स. ठीक है, होल नंबर्स में पैटर्न्स दिए रहते हैं और आपको उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये क्या पैटर्न है, एंड देन यू हैव टू सॉल्व द फर्दर क्वेश्चंस. ठीक है, इफ यू सी योर बुक इन हिंदी मीडियम इट माइट नॉट बी गिवन, बट इन इंग्लिश मीडियम इट इज गिवन. तो हिंदी मीडियम के बच्चे उसको ध्यान से देख लें कि क्या पैटर्न है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है. ठीक है, जैसे कि आपको पैटर्न को समझना पड़ता है कि कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको दिया रहेगा और आगे के जो भी सम्स रहते हैं वो आपको खुद आइडेंटिफाई करके पैटर्न को आपको सॉल्व करना होता है. जैसे फॉर एग्जांपल 1 × 1 = 1. ठीक, फिर ये 1 है, यहाँ सिंगल 1 है, आंसर सिंगल 1 है, तो यहाँ पे 2 1 को इंक्रीज करेगा, यहाँ पे भी 2 1 को इंक्रीज करेगा. ठीक, थर्ड वन, यहाँ पे 1 सिंगल है, यहाँ पे 1, यहाँ 2 1, यहाँ पे 3 1, यहाँ पे जैसे जैसे ये भी एक तरह का एक नया पैटर्न है. ठीक है, इस तरह से आपको ये पैटर्न को रिकग्नाइज करना होगा एंड देन यू विल बी सॉल्विंग द टिल 4-5 पॉइंट्स और आपको फिर से इसको सॉल्व करना होगा. ठीक है, अनदर पैटर्न, ये तो हो गया एक सिंगल पैटर्न. अनदर पैटर्न 1 × 1 = 1. ओके, यह 1 × 1 = 11, यहाँ पे 2 1 है और यहाँ पे भी 2 1, यानी कि 11 = 121. ठीक, फिर 1 × 3 = 3 1 111, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 1, यहाँ पे 3 1 * फिर इसका ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी 111 भी 111 से ही मल्टीप्लाई होगा. Then what will be the answer? 1, 2, 3. But आप multiply करके भी check कर सकते हैं.
One, two, three, two, one. Okay. One, two, three, two, one. Next is 1, 2, 3, 4. Into 1, 2, 3, 4. Now 1, 2, 3. Four ones are there, and here also four ones. Now four ones and into four ones. Now 1111 into 1111. Kitna hoga? 1, 2, 3, 4. Now 1, 2, 3, 4 tak hai. Yahan pe 1, 2, 3, 2, 1 tak hai na? 1, 2, 3, 4. Fir 2, 1. Okay. Ab next one. 1, 2, 3, 4, 5. Into 1, 2, 3, 4, 5. 5. यहाँ से ही जा रहा है 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. सॉरी यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 था ना, इसलिए यहाँ पर भी जाएंगे 1, 2, 3, 4. फिर वापस आएंगे 3, 2, 1. ऐसे यहाँ पर था 1, 2, 3. 1, 2, 3 तक आंसर में आगे बढ़े हम 1, 2, 3 और फिर वापस आ गए 2, 1. यानी कि सीधा भी जा रहा है और उसका रिवर्स भी जा रहा है. जैसे यहाँ पर था, यहाँ पे 2, 1 था, यहाँ पे 2, 1 आगे बढ़े थे 1, 2 और फिर रिवर्स में आ गए 1. ठीक 1, 2, 3, 4, 5. यहाँ पे 5 1s है तो हम उतने ही आंसर में भी पढ़ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 और फिर वापस से रिवर्स में आएंगे 1, 2, 3, 4, 5 के बाद 4, 3, 2, 1. ठीक ऐसे एक और याद रख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 into 1, 2, 3, 4, 5, 6 is equal to 6. 6 ones है यहाँ पे, तो हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 तक पढ़े. अब उसके बाद उसके रिवर्स में 5, 4, 3, 2, 1. ठीक. अगर आप चाहें तो आप उसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं कि वेदर द आंसर इज करेक्ट और नॉट. क्या शो कर रहा है? दिस इज शोइंग अ पैटर्न एंड यू हैव टू रिकग्नाइज द पैटर्न एंड देन सॉल्व द क्वेश्चंस. ठीक है, ये एक तरह का ये पैटर्न शो कर रहा है. ठीक 1, 1, 1. यहाँ पे 2, 1 है, 2, 1 इधर भी है 1, 2. देन रिवर्स में आएंगे 1. फिर 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 एंड इन रिवर्स 2, 1. फिर यहाँ 4 1s 4 1s इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4. फिर रिवर्स में आएंगे 3, 2, 1. फिर 5 1s इंटू 5 1s 1, 2, 3, 4, 5. फिर उसके बाद उसके रिवर्स में 4, 3, 2, 1. फिर 6 times 1 into 6 times 1 is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 and for reverse में 5, 4, 3, 2, 1. ठीक है, ये एक पैटर्न है. देन इस तरह से आपको बहुत सारे पैटर्न मिलेंगे और आपको उसको सॉल्व करना है. चलते हैं एक और पैटर्न देख लेते हैं. हम एक और पैटर्न आपके सामने बिठाते हैं. ट्रिपल 1 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 37. ट्रिपल 1 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 37. फिर सेकेंड ट्रिपल 1 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 37.
Here 37 is common और यहाँ पे क्या चल रहा है, 3 का टेबल चल रहा है, ठीक है, 3 2 6 एंड देन 3 3 9 यहाँ पे क्या चल रहा है, 1111 2 3 इसका मतलब है नेक्स्ट होगा कौन सा, अगर यहाँ पे 333 आया तो देन दैट मीन्स नेक्स्ट कौन सा होगा, नेक्स्ट होगा 444 डिवाइडेड बाय 3 का टेबल चल रहा है, 3 2 3 4 12 आंसर कितना होगा, 37 कॉमन आंसर आ रहा है, ठीक ये हुआ। अब नेक्स्ट चलते हैं, अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगी तो आप उसको डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं whether the answer is correct or not। अगर आप सिर्फ पैटर्न पे अगर कॉन्फिडेंस रखते हैं then you can go with the pattern only। 1 2 3 4 के बाद 5 आएगा डिवाइड बाय एंड 3 का टेबल चल रहा है, 3 2 6 9 2 4 12 दैट मीन्स यहाँ पे 3 5 15 आएगा एंड 37 इज कॉमन। नेक्स्ट 5 तक हो गया, फिर अब क्या आएगा 666 आंसर में क्या आ रहा है,
9 था, सेकेंड में क्या हुआ 6 टाइम 9 2 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 8, फिर थर्ड टाइम में 0 1 2 9 8 7, यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये यहाँ पे बढ़ रहा है और ये यहाँ पे घट रहा है, लास्ट की जो डिजिट थी यहाँ पे ये डिजिट्स बढ़ रही हैं, दिस वन एंड दिस साइड द डिजिट्स आर डिक्रीजिंग डाउन, ठीक है, ये भी एक पैटर्न शो कर रहा है और ये 1 2 3 को आप देख रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं,
in this way, if a question has been given to you, you have to see which numbers will be added to which number. ठीक है? आप diagonally check कर लीजिए कि इसका sum क्या है. इस पहले हम देखेंगे कि what is the sum? A यहाँ पे हमको ऐसे नंबर को रखना है जो कि 9, 10, 11 के बाद कौन सा आएगा 4. यहाँ पे हमने 4 को ऐड कर दिया. ठीक 4 9, 10, 11 यहाँ में सम कितना लाना है 15 लाना है. 9, 10, 11 यानी कि हमको 4 और ऐड करना है 15 हो जाएगा. 3,04 ओवर ईयर. देन 4 एंड 8 हैज बीन गिवन एंड 8 प्लस 4 हाउ मच 9, 10, 11, 12 हुए यानी कि हमको 3 नंबर और लाना है 15 के लिए. विल सिंपली राइट ओवर हियर 3. ठीक नाउ दिस वर्क्स. 5 + 3, 8 और 15 लाने के लिए कितना चाहिए 5 + 3, 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 यानी कि हमको 7 ना यहाँ इस वर्क्स में विल बी राइटिंग 7. तब जाके सम जो होगा वो 15 होगा. 13, 13 and 3, 15. ठीक अब यहाँ पे हमें यहाँ पे इस बॉक्स में क्या ऐड करना है 7, 8, 9 हो गया 10, 11, 12, 13, 14, 15 6 ऐड करना पड़ेगा तब जाकर के इसका सम 15 होगा. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ठीक ये भी 15 हो गया. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ठीक है दिस इज व्हाट द मैजिक स्क्वायर इज. आपको हर तरफ से सम करके देखना है कि उनका सम क्या होगा और उसमें कौन सा नंबर उसको आपको फिट करना होगा. ठीक है so english medium children can do their exercise 2b accordingly which I have shown in the video. Now by on the next one we will be starting a new chapter, so take care, have a nice day.